वरुण गांधी पर अब अखिलेश यादव की नजर। बीजेपी की लिस्ट से पहले पीलीभीत सीट को लेकर दिया बड़ा संकेत। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही उत्तर प्रदेश के सियासत में काफी हलचल है। सभी राजनीतिक दल प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर रही है। आपको बताते हुए चलते हैं कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही उत्तर प्रदेश के सियासत में काफी हलचल है। सभी राजनीतिक दल प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर रही है। यूपी में अभी किसी भी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद वरुण गांधी को टिकट मिलने पर संशय बना हुआ है। माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार वरुण के टिकट पर कैंची चला सकती है। वरुण गांधी के टिकट करने के चर्चाओं के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीलीभीत सांसद को लेकर इशारे ही इशारों में बड़ी बड़ी बात कह दी है। वहीं वरुण को लेकर अखिलेश ने दिए संकेत। दरअसल सपा कांग्रेस अलायंस के पीलीभीत सीट पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वरुण गांधी को मैदान में उतार सकती है। इस बीच मंगलवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के ने पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र के पार्टी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बैठक में अखिलेश यादव ने वरुण के सपा से चुनाव लड़ने या फिर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने पर अपनी पार्टी के नेताओं की राय पूछी। वहीं मंगलवार को जब अखिलेश यादव से वरुण गांधी के टिकट को लेकर सवाल किया गया तो सपा प्रमुख ने कहा कि वह बीजेपी में मसला है कि किसको सीट देती है और किसको नहीं, हमारी कमेटी हर चीज पर विचार करती है। वहीं मंगलवार को व्यापार मंडल के नेताओं के साथ मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस से बात की। स्वामी प्रसाद मौर्य और वरुण गांधी दोनों के मुद्दे पर यह संकेत दिए कि अगर बीजेपी ने वरुण और संगमित्रा के टिकट काटती है तो उनका संगठन इस पर फैसला लेगा। चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी कुशीनगर की सीट दे सकती है। कि लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें।